दिन बचा है, कहाँ से मिलाओगी इतने पैसे? मेरी सैलरी कम है आपको पता है, फिर भी कहाँ से लाओगी? हम घर पे भी पैसे नहीं है, मम्मी के पास भी पैसे नहीं है, आप अरेंज करने बोल रहे हो, कहाँ से करूँगी मैं? प्लीज़ आप समझो ज़रा, बहुत कम वक्त है मेरे पास, मेरे पास पैसे नहीं है इतने, मेरी पेमेंट कम है, सैलरी कम है, आप क्यों नहीं समझ रहे हो? कहाँ से भी दहेज का लाओगी? बात करो आप, घर पे बात करो। मैंने अपने घर पे बात किया, गुस्सा क्यों कर रहे हो? कहाँ से लाऊं? नहीं है मेरे पास पैसे, उल्टा क्यों बोल रहे हो? इतने 10 दिनों में कहाँ से पैसे अरेंज करूँ मैं? आप जानते हो मेरे पास नहीं है, कहाँ से लाओ इतने दहेज, कहाँ से लाओ? आपको पहले ही बोला था मेरी सैलरी कम है, मैं इतने कम तनख्वाह में काम करती हूँ, गुस्सा क्यों कर रहे हो? घर पे मना लो, मेरे पास इतने नहीं है, नहीं हो पाएगा, प्लीज़ प्लीज़ समझो आप, प्लीज़ समझो प्लीज़। सरकारी नौकरी है, मुझे इतने पैसे नहीं मिलते, आपको सब पता है, आपने देख के ही किया था सब, आज अचानक से दहेज की बातें कहाँ से आ गई? इतने कम दिनों में कैसे मैं करूँगी? हम क्या आपको? आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? आप कौन? मैं पूछ रहा हूँ प्रॉब्लम क्या है आपको? विवेक, प्रॉब्लम आप सुन रहे थे मेरी बातें? मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत सुना, अगर मैंने सुना भी होगा तो क्या प्रॉब्लम है आपको? मेरी जिससे शादी होने वाली है उन्होंने अचानक दहेज की बात कर ली, और मेरे पास इतनी तनख्वाह नहीं है, और इतने कम दिनों में 10 दिन में मैं कैसे करूँ अरेंज? इतने पैसे नहीं है, इतनी सैलरी नहीं मिलती मुझे सरकारी नौकरी में, सरकारी नौकरी में कम सैलरी होती है, घर चलाना पड़ता है, उनको सब पता है, फैमिली को लेके चलना पड़ता है। आज अचानक बोल रहे शादी के 10 दिन पहले दहेज चाहिए, उनके घर वाले मांग रहे, पहले नहीं कहा था उन्होंने? मैं देश की सेवा कर रही हूँ, मेरी खुद शादी नहीं हो रही है, देश की सेवा कर रही हूँ, उन लोगों के लिए इतना सोच रही हूँ, पर आज मेरा वक्त है तो कुछ हो ही नहीं पा रहा है। कितना पैसा मांग रहे हैं? पैसे बहुत मांग रहे हैं, 1,00,000 रुपये मांग रहे हैं, कहाँ से लाऊं मैं? मेरे पास अरेंज ही नहीं हुए, 1,50,000 रुपये हुए, अब मेरी इतनी तनख्वाह नहीं है, मैं कहाँ से करूँ? उनको इतना समझा रही हूँ, नहीं समझ रहे, वो परेशान हो गई हूँ मैं। नहीं समझ रहे हैं तो ना करो, मना कर दो आप। कैसे मना करूँ, शादी सबको बोल दिया है, शादी के इतने एंड मोमेंट में कैसे मना करूँ? आप सोच कर देखो, जो इंसान आपसे अभी बोल रहा है कि दहेज दे दो, कल को आपको छोड़ देगा, आपको तकलीफ नहीं होगा? तकलीफ पता नहीं हो छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा, पर शादी के लिए सबको बोल दिए, परिवार पे बोल दिए, अभी अचानक कैसे मैं मना कर दूँ? वो भी तो इज्जत है ना। इतना आप अपनी लाइफ से क्यों कंप्रोमाइज करें? जो इंसान अभी ऐसा कर सकता है, आगे भी तो कर सकता है ना। आगे कर सकता है, पर अब वो भी ऐसा भी मना कर दूँ तभी भी तो घर वाले की इज्जत जाएगी, सबको बोल के रखा है। आज आपके साथ खड़ा नहीं, आपको लगता है 2 साल बाद आपके साथ खड़ा होगा वो? अब वो बोल रहे मेरे घर वालों को चाहिए दहेज, मैं तो नहीं मांग रहा हूँ ना, अब उनको भी मैं कैसे गलत बोलूँ? बिल्कुल गलत ना है, घर वाले नहीं मांग रहे, लड़का खुद मांग रहा है। अगर वो करने के लिए तैयार होंगे तो घर वाले मना कर देंगे, नहीं करेंगे? वो भी तो बोल रहे मजबूरी है मेरी, समझो कब से यही बोल रहे। आपको क्या लगता है उनके घर वाले मांग रहे हैं, उनकी हामी नहीं है उसमें? खुद जा रहा अभी दहेज के लिए, पहले नहीं बोला था मैं ये सब के खिलाफ हूँ, मेरे घर वाले बोल रहे, पर अब वो खुद जा रहा है, अब अचानक दस। आप छोड़ दो, बहुत अच्छा मौका है ये। कैसे छोड़ू बे, सब तैयारी हो गई है, घर वाले लोगों को बोल दिया है, अभी कैसे छोड़ू? इसे तो बात करके उनको कन्विंस कर रही हूँ मैं, मेरी इतनी पगार है नहीं, इतनी कम तनख्वाह है, मैं कैसे अरेंज करूँ इतनी जल्दी? मैं आपको पैसे दूंगा 4,00,000 रुपये। आप? मैं दूंगा। आप देंगे? हाँ। आप क्यों दोगे? आप देश की सेवा कर रहे हो, मैं इतना तो आपके लिए कर ही सकता हूँ। तो आप मुझे क्यों दोगे? आप मेरे पे, आप मुझे जानते हैं। आप देश की सेवा कर रहे हो, मुझे ऐसा लगता है भारत का अच्छा नागरिक होने के नाते कि मुझे आपके लिए इतना करना चाहिए। इतनी बड़ी रकम आप छोड़ दीजिए, पैसे की दिक्कत मैं आपको दे दूंगा, लेकिन आप एक बार सोच कर देखो, वो इंसान लाइफ में आपके आगे तक रहेगा साथ? उसका तो पता नहीं मुझे, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, आप सोच लो। रही बात पैसे की, वो मैं आपको अभी दे दूंगा। नाम क्या आपका? सुहाना खान। माँ बाप की इज्जत ना जाए, सब जगह पता चल गया ये सब बातें, अचानक मैं कैसे मना करूँ? मैं कर ही लेती हूँ शादी,
लाइफ बहुत बड़ी है, एक बार डिसीजन आप ले लो, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा। अगर आप नहीं समझेंगी तो आपके लाइफ में वो लड़का कभी भी आगे खड़ा नहीं होगा। अब कैसे मना करूँ, घर वालों की इज्जत का भी तो सवाल है। चलिए कोई बात नहीं है, मैं आपको पैसे दे दूंगा। उससे पहले वहां पर देखो आप, कैमरा लगा, ये सब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चाहता हूँ इस वीडियो को मैं पूरी दुनिया को दिखाऊं। गाइज, मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ, देश की सेवा करती हैं, आज इनकी मैरिज नहीं हो रही है, और जिसके साथ कोई नहीं है उसके साथ आपका अपना गोल्डन भैया है। कम से कम आपको तो ये समझना चाहिए जिनसे मैरिज हो रही है। अभी भी ये सब सारी चीजें चल रही हैं। मैं आपको अभी भी बोलूंगा, आपके लाइफ का सवाल है, एक बार आप सोच लो आपको करना है या नहीं करना है। मुझे करना है, घर की इज्जत है। आप अपने लाइफ के बारे में भी एक बार सोच लो आप। अब कैसे मना करूं मैं? रही बात पैसे की, 4 लाख रुपए मैं अपनी तरफ से दूंगा, और भी जो मुझसे बनेगा मैं और भी करूंगा। थैंक यू सो मच भैया। देश के लिए करते हो, मैं इतना तो आपके लिए कर ही सकता हूँ। कोई इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, आप लोगों के साथ खड़ी रहती है। यार लोगों को खड़ा होना चाहिए यार, अगर आप नहीं खड़े होगे तो आपके लिए कौन खड़ा होगा। बाकी ऐसी मानसिकता के लोगों को मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहता हूँ।